हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे, बारिश का मौसम चल रहा है और आसमान में कड़कड़ाती बिजली गड़गड़ाती है, तो आखिर आज अपन बात करेंगे बिजली क्यों चमकती है। ये बिजली जब चमकती है तो फिर धरती पर क्यों गिरती है, आसमान में ही क्यों नहीं रहती है? आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। आखिर ये बिजली बनती कैसे है और यह आसमानी बिजली इंसान को नुकसान कैसे पहुंचाती है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। आइए देखते हैं। आसमानी बिजली क्यों और कैसे गिरती है, आज इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले आप जानते होंगे, आकाश में बादल मंडराते हैं और पानी गिरता रहता है। जब ये बादल सिंपल ऐसे आकाश में मंडराते रहते हैं और पानी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये बादल बिजली कैसे बनाते हैं ये देखिए। ये दो तरह के बादल हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये बादल हैं। अब ये सिंपल गिर रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, सिंपल पानी गिर रहा है तब तक कोई बात, लेकिन जब दो बादल विपरीत दिशा से आते हैं, मतलब एक बादल इस दिशा से आ रहा है और एक बादल इस दिशा से आ रहा है, अब ये ध्यान रखना, दो बादल अगर विपरीत दिशा से तेज गति से आते हैं और ऐसे टकराते हैं, अब अगर ये दोनों बादल विपरीत दिशा से आएंगे और विपरीत एनर्जी क्रिएट करेंगे, यहां से ऐसे सामने आएंगे और विपरीत एनर्जी, दोनों ऐसे ऐसे विपरीत आएंगे ऐसे और दोनों ऐसे मिलेंगे, तो जब वो मिलेंगे तो वहां इनकी घर्षण पैदा होगी, तेज घर्षण पैदा होगी और उस घर्षण से तेज गति से मतलब बिजली प्रकट करेंगे ये। अब जब ये बिजली पैदा करते हैं तो आसमान में बिजली जब पैदा होती है तो बिजली को कोई कंडक्टर की तलाश होती है, कंडक्टर ये कह सकते हैं, उनको कोई ऐसी चीज की तलाश होती है जिसपे जाके वो गिरने की कोशिश करती है। तो आसमान एकदम खुला हुआ होता है और आसमान को बिजली को कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है जिसपे जाके वो टिक सके, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं मिलता है, तो उस कंडक्टर की तलाश में बिजली नीचे आती है, यानी धरती पर आती है। और जब वो धरती पर आती है तब आपको देखा होगा ये धरती पर आती है, धरती पर किस पर आती है, अधिकतर आपने देखा होगा लोहे के खंभों पर गिरती है, या ऊंचाई वाले स्थान पर बिजली गिरती है, या फिर पेड़, जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं उन पेड़ों को बीच में काट देती है, इतनी तेज गति से गिरती है, या फिर रास्ते में अगर चल रहे होते हैं इंसान तो इंसान के ऊपर गिरती है, मतलब प्लेन जगह पर बिजली बहुत ही कम गिरती है। बिजली हमेशा कोई ना कोई स्थान ढूंढती है जो जिसको गिरने के लिए, तो उसको कंडक्टर कहते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर बिजली गिरती है। आपने कभी कभी देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बिजली से बचने के लिए तड़ीपात भी लगा जाते हैं, तड़ीपात एक लोहे का एक यंत्र होता है जो जमीन ऊपर लगता है, फिर उसका एक वायर जमीन के अंदर जाता है जिसका अर्थिंग दिया जाता है, जब उस तड़ीपात पर बिजली गिरती है तो सीधी बिजली अंदर जमीन में चली जाती है क्योंकि उसका अर्थिंग दिया जाता है। तो इसलिए जब बिजली धरती पर आती है तो उसको कंडक्टर की तलाश होती है, वो कंडक्टर की तलाश में इंसान को हानि पहुंचाती है, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाती है, बड़ी बड़ी इमारतों को हानि पहुंचाती है, इसलिए ये बिजली गिरती है इंसानों के ऊपर और कड़कड़ाती है। जब कैसे कड़कड़ाती है मैंने आपको बताया, जब दो विपरीत दिशा वाले दो बादल आपस में टकराते हैं तो घर्षण पैदा करते हैं, और घर्षण पैदा करने से बिजली बनती है, और बिजली बनती है तो जब आकाश में बिजली को एक कोई स्थान नहीं मिलता है रुकने के लिए तो वो धरती पर आती है। धरती जब बिजली धरती पर आती है तो उस कंडक्टर की तलाश में, जैसे लोहे के खंभे हो गए, पेड़ हो गए, ऊंचाई वाले स्थान हो गए, खुले स्थान हो गए, अब ये ध्यान रखना टीवी के केबल वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपने देखा होगा जब जब बिजली गड़गड़ाती है तो बहुत सारे पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए, जैसे टीवी फ्रिज कूलर सब जल गए, तो जब ये बारिश के टाइम पे अधिकतर इनको बंद रखें, क्योंकि जब ये चालू होते हैं ना तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बिजली भी इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो एक दूसरे से जब ये मिलते हैं, बिजली हमेशा जब गिरती है तो ऐसे कंडक्टर की तलाश में होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक केबल वायर सीधा इन पर ही अटैक करती है, तो हमेशा इनको बंद रखें क्योंकि ये बिजली से अटैच होने के लिए कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, इसलिए हमेशा इनको बंद रखें, जब बिजली गिरे आसमान में जब कड़कड़ाहट की आवाज़ आए तो हमेशा इनको बंद रखें। अब ये जो बिजली गिरती है इस बिजली से कैसे बचाव रखें, आप अब बारिश का मौसम है, आप तो कहीं जहाँ जाते हो करते हो, अब हर जगह रुक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनको कैसे बचाव किया जाए, कैसे आप इससे बिजली से बचें, कुछ ऐसी सावधानी रखें जिससे आप बिजली से बच पाएंगे, आइए देखते हैं। ऊंची वाली इमारतों में ना जाएं, जब बिजली कड़कड़ाती है, जब जो ऊंची वाली इमारतें हैं वहाँ पे आप ना जाएं, उससे दूरी बना कर रखें तो बढ़िया होगा, खुले में रहना है, जब भी आप अगर कहीं खुले स्थान पर हो, आकाश में बिजली कड़कड़ा रही तो आप किसी मकान के अंदर चले जाएं, या
अगर कोई पेड़ है तो पेड़ के यहाँ बिल्कुल ना जाए, पेड़ के ऊपर अधिकतर बिजली गिरती है। आप खुले में अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही, आसपास पेड़ है तो पेड़ के नीचे आप खुले में बैठ जाएँ, कान बंद करके और नीचे ज़मीन पर बैठ जाए, तो उससे भी आपका बचाव हो जाएगा। घर पर टीवी फ्रिज बंद रखें। टीवी फ्रिज सबसे बड़ा कंडक्टर का काम करता है जब बिजली ज़मीन पर गिरती है, तो टीवी फ्रिज को हमेशा ध्यान रखें बंद रखें। तालाब जलाशय या स्विमिंग पूल, पानी भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर का स्रोत है बिजली के लिए, जहाँ जहाँ पानी होती है वहाँ वहाँ बिजली गिरती है, तो तालाब जलाशय और स्विमिंग पूल से आप दूरी बना कर रखें। और ग्रुप में ना खड़े रहें, कभी भी ध्यान रखें ग्रुप में खड़े ना रहें, ग्रुप में अगर खड़े रहेंगे तो आपको बिजली आपके ऊपर आएगी, क्योंकि वो एक कंडक्टर का काम करता है। अगर आप ग्रुप में खड़े रहते तो ग्रुप में हमेशा खड़े ना रहें, किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहें, पेड़ के मैंने बताया पेड़ सबसे ज़्यादा पेड़ों पर बिजली गिरती है, तो पेड़ के नीचे कभी खड़े ना रहें। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि बिजली कैसे पैदा होती है और बिजली क्यों गिरती है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। इसी के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। नमस्कार।